शीतल टीचर। पेरेंट्स, मुझे बहुत से पेरेंट्स का कंसर्न आता है कि हमारे बच्चे कोई लेटर उल्टा लिखते हैं या मिरर इमेज लिखते हैं या कोई लेटर में कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे पी एंड नाइन दे माइट गेट कंफ्यूज, डब्ल्यू है, एम है। तो पेरेंट्स, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारे जो बच्चे हैं ये ग्रोइंग एज में, दे आर स्टिल इन ग्रोइंग एज। बच्चे जब तक 6 ईयर्स तक उल्टा इमेज या मिरर इमेज लिख रहे हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बिकॉज देयर माइंड आर स्टिल ग्रोइंग। ओके, हाँ, अगर 7 या 8 ईयर्स के होने के बाद भी अगर वो उल्टा लिख रहे हैं एंड दे आर माइट गेटिंग कन्फ्यूज, तो वो थोड़ा कंसर्न की बात है। फिलहाल अगर 6 ईयर्स के पहले अगर वो लिख रहे हैं तो यू जस्ट नीड टू टेक सम एक्टिविटीज विद देम, तो वो उनका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो आज मैं आपके साथ एक ऐसा एक एक्टिविटी शेयर करना चाहती हूँ, तो आप ये सब एक्टिविटी घर पे आप उनके साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो वो शायद उनको ये प्रॉब्लम से निकलने के लिए काम आएगा। जब कोई बच्चे M को W लिख देते हैं या 9 को P लिख देते हैं, तो बिकॉज दे आर गेटिंग कन्फ्यूज ऑफ दैट। और ये एक्टिविटी करने के लिए आज मेरे साथ है हिया, सो वी बोथ आर गोइंग टू डू दिस एक्टिविटी एंड दिस माइट विल हेल्प योर चाइल्ड। पेंसिल रखा है एज अ मिरर इमेज, तो आप ऐसे कोई भी लेटर लिख के बच्चे को बोल सकते हो कि मिरर इमेज में कोई लेटर बना के बताओ। जैसे ये मैंने F बनाया है, तो आप बच्चों को बोल सकते हैं कि F बनाकर बताओ। इसमें पेरेंट्स आप कोई भी क्रेयॉन्स ले सकते हैं या स्ट्रॉ ले सकते हैं, जो भी आपके पास हो। ओके, फॉर अ मिरर इमेज, हाँ, तो ये आपका देखकर बच्चे ने F बना सकते हैं। अगर दे आर माइट गेट कन्फ्यूज, तो उनको मिरर इमेज देखकर उनको वो F दिख जाएगा। अब आप ऐसा एक बोर्ड लेकर, आप एक ऐसा बोर्ड लेकर उनको आप लेटर्स लिखकर दे सकते हैं। ये मैंने उल्टा सी लिखा है, तो आप मुझे सी लिखकर बताइए। ये मैंने टू लिखा है, आप टू लिखकर बताइए। ये मैंने फाइव लिखा है, आप फाइव लिख के बताइए। दिस आई हैव रिटन बी, हाउ यू आर गोइंग टू राइट बी। तो पेरेंट्स, ये ऐसे आप लिखकर बच्चों को मिरर इमेज के हिसाब से आप लिखने को दे सकते हैं, तो वो हमेशा सीधा लिखेंगे। आप उनको उल्टा लिख कर दोगे तो वो हमेशा सीधा लिखेंगे, इफ ही इज फेसिंग दिस प्रॉब्लम। एक और एक्टिविटी है, जैसे जैसे आप ये लेटर्स उनको लिखकर मिक्स लेटर्स दे सकते हैं। आप उनको बोल सकते हो कि नाउ सर्कल लेटर बी, वेर एवर यू सी लेटर बी जस्ट सर्कल। वेरी गुड, यस। तो पेरेंट्स, आपने देखा जो ये छोटी छोटी एक्टिविटीज है, तो आप ये भी अपने बच्चों के साथ कर सकते हैं, तो वो मिरर इमेज का जो उसको इश्यू है वो सॉल्व हो जाएगा। टिल देन, बाय, टेक केयर।